Alright, so just came back from the gym. काफी decent workout था. On a scale from 1 to 10, I would rate it 7. So the first exercise I did was bench press. Bench press पे usually जो program I follow is similar to Chris Bumstead. तो first 2-3 sets usually मैं warm up set करता हूँ. उसके बाद I start going heavy. और फिर last 2-3 working sets. तो same approach था आज भी. I went for 2 warm up set और उसके बाद 3 working sets. Felt good on the bench. काफी comfortable था bench के साथ. So now I can say कि मैं थोड़ा-थोड़ा वापस आ सकता हूँ in terms of strength training. So I can start increasing weight from the next time. Second exercise थी close grip bench press, right? Close grip bench press में it is all about mind muscle connection. So it is usually more important to focus on inner chest और उसके साथ साथ tricep. तो उस पर focus करने के लिए I did close grip bench press. के बाद I went for weighted push-ups. Weighted push-ups same thing, just to add little bit of resistance to my push-ups. 10 kg के plates शायद मैंने add किए थे और उसका भी same था, mainly focusing on mind muscle connection. फिर उसके बाद हमने किए ओवरहेड प्रेसेस. ओवरहेड प्रेसेस वाज मोर अबाउट 10-12 रेप रेंज लेना था मॉडरेट वेट के साथ. द लास्ट वन वाज स्कल क्रशर्स.
स्कल क्रशर्स मैंने काफ़ी दिनों बाद की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी मंथ्स के बाद की है, एंड लिटरली आई कैन फील द डिफरेंस. काफ़ी सोर है मेरे ट्राइसेप्स अभी भी, पम्प वॉज लिटरली इनसेन. सो या, दिस वॉज माई वर्कआउट टूडे. अभी विल गेट बैक टू न्यूट्रिशन पार्ट. वी विल फोकस ऑन गेटिंग द मील्स राइट. मेंटेनेंस का वही होता है, यू हैव टू गेट अ लॉट ऑफ फूड इन टू योर सिस्टम, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ क्योंकि मेरा एपिटाइट पहले से ही बहुत कम था. सो दैट्स वाई इट इज़ लाइक अ चैलेंज टू मी वेन आई हैव टू बम्प अप माई कैलोरीज. तो नेक्स्ट थिंग इज़ गेटिंग द मील्स राइट. आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप.